आसमान के ऊपर एक ख़ास धुआँ छा जाएगा, दुखान। कुरान मजीद के अंदर आता है फ़र्द तकवी उमदा के समा उब दुखान मुबीन, कि एक दिन ऐसा होगा कि आसमान के ऊपर एक ख़ास धुआँ छा जाएगा, फिर ये ज़मीन पर बरसेगा। मोमिनीन को तो ऐसा लगेगा जैसे ज़ुकाम, काफिर और मुनाफिक के लिए वो ऐसे होगा जैसे सर के ऊपर आग का तंदूर आ गया। जब ये धुआं छटेगा तो बकरीद के दिन बहुत करीब होंगे। उसके बाद दसवीं जुलहज्जा, ये सूरज मगरिब का निकलना, सूरज मगरिब में गुरूब होगा इस दुखान के बाद, और उसके बाद सूरज रात आ जाएगी। रात इतनी लंबी होगी कि बच्चे सो सो कर थक जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, जानवर शोर मचा देंगे, लेकिन सुबह ना होगी। तीन या चार रातों के बराबर जब वक्त गुजर चुकेगा, फिर सूरज निकलेगा और मगरिब से निकलेगा। उसकी रोशनी बहुत तेज़ नहीं होगी, नॉर्मल सी रोशनी होगी, और वो जितना जवाल के करीब तक ऊंचा होता है तकरीबन इतना ऊंचा होकर वापस मगरिब में डूब जाएगा, और अगले दिन से फिर अपने मामूल के मुताबिक मशरिक से निकलना शुरू हो जाएगा। इस सूरज का मगरिब से निकलना वो वक्त होगा कि उसके बाद किसी गुनाहगार की तौबा कबूल नहीं होगी। कोई गुनाहगार तौबा करना चाहेगा, तौबा कबूल नहीं होगी। कोई काफिर ईमान लाना चाहेगा, उसका ईमान मोतबर नहीं होगा। उससे पहले पहले मौका है तो सूरज का मगरिब से निकलना होगा। उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल अरीब और करीब क़यामत के अंदर मक्का मुअज़्ज़मा में, मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ी है सफ़ा, इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, उस पहाड़ी के अंदर एक ज़लज़ला आएगा, वो फट जाएगी। उसके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का जानवर निकलेगा जिसका सर बैल की तरह होगा, आंखें खंजीर की तरह होंगी, कान उसका हाथी की तरह होगा, गर्दन उसकी शुतुरमुर्ग की तरह होगी, और सीना उसका शेर की तरह होगा, जिस्मानी रंगत चीते की तरह होगी, उसकी पिछाड़ी बिल्ली की तरह होगी, और उसकी दुम मेंढे की तरह होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी उसके हाथ में होगी। वो हर मोमिन और काफिर की पेशानी पर निशान लगाएगा। ये अजीब जानवर होगा, सारी दुनिया में घूमेगा, लोगों से बातें करेगा। इसको देखकर काफिर भी ईमान लाएंगे, लेकिन काफिरों का ईमान लाना उस वक्त कबूल नहीं होगा। उसके बाद फिर आग एक यमन से निकलेगी जो लोगों को महशर की तरफ जो है वहाँ कर ले जाएगी, और कुरान करीम लोगों के सीनों से भी उठा लिया जाएगा, और किताबों में जो लिखा होगा वो भी उठा लिया जाएगा। उसके बाद ज़मीन के ऊपर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मोमिनीन भी उठा लिए जाएंगे, और एक नहायत फरहत बख्श हवा चलेगी तो तमाम मोमिनी की रूह को कब्ज़ कर लेगी। पूरी दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ना रहेगा। दुनिया में सिर्फ कुफ्फार होंगे, बदकार होंगे, अशरारुन नास होंगे, बदतरीन लोग ज़मीन के ऊपर होंगे। हुकूमत पर हबशा के काफिर मुसल्लत हो जाएंगे जो खाना काबा को शहीद कर देंगे। कई साल इसी तरह गुजरेंगे, फिर अचानक जुम्मे के दिन 10 मुहर्रम को हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, और क़यामत जो आएगी ये बदतरीन लोगों के ऊपर कायम होगी। जब तक ज़मीन के ऊपर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई है, क़यामत कायम नहीं आ सकती। लोग चाहते हैं मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म कर दें, याद रखें जब तक मुसलमान है क़यामत नहीं आ सकती। जब मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया को भी अल्लाह लपेट दे। तो ये वक्त आने वाला है। अब इन सारी बातों का मकसद क्या है? क्या ये हमने कानों की अय्याशी के लिए सुना कि जी हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई, आज तो बड़ा मज़ा आया, मालूम हो गया? खाली इन्फॉर्मेशन, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शैतान के पास है। अमल पर आ जाएं, आखिरत की तैयारी पर आ जाएं, अल्लाह के सामने हाजिर होने का ख्याल हमारे जहनों में हो, फिर बात बनेगी। जो नबी अलैहिस्सलाम ने क़ुर्ब क़यामत की अलामत बताई हैं, क्यों? कि मौत से पहले पहले हम मौत की तैयारी कर लें।